जबकि हमारी कमिटी 3,000-4,000 मैक्सिमम होती थी जब हमारी मीटिंग होती थी। तो जब हमारे चीजें सब कुछ सही थी तो उस समय हम कम्युनिटी को बोलते थे कि आप आओ आप आओ आप आओ, हमारी चीजों को सीखो समझो। उस समय शायद ये कम्युनिटी हमारे साथ नहीं आई थी। आज 8551 लोग हमारे साथ हमें सुनने के लिए अपने मीटिंग्स को सुनने के लिए अवेलेबल हैं। सबसे पहले उन लोगों को दिल से शुक्रिया कहना चाहता हूँ, किसी बहाने आप मीटिंग में तो आए हैं, इसी बहाने आपको इस ऑफिस का रास्ता तो मिला। सबसे बड़ी चीज है रोमारियो सर कि इसमें से मैक्सिमम लोग 50% लोग तो इसलिए आए होंगे कि उनको दिक्कत हो रही होगी कि हमारी टास्क नहीं हो रही, हमारी इनकम नहीं आ रही, उनको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, बहुत थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है कि एजेंट्स ग्रुप जो है ना, एजेंट्स ग्रुप कोई एक दिन और दो दिन और पांच दिन के लिए नहीं है, एजेंट्स ग्रुप लाइफ टाइम के लिए है और हमेशा रहेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ता है जब कोई भी चीज बड़ा बनता है। आपको पता है जब विला बनाते हैं तो छोटी कम दिनों में बन जाती है, जब हम फार्म हाउस डेवलप करते हैं तो उसके लिए टाइम लगता है, जब हम बड़ी बड़ी अपार्टमेंट्स डेवलप करते हैं ना उसमें और ज्यादा टाइम लगते हैं। तो थोड़ा सा चीजों को आपको भी समझना पड़ेगा कि जब हमने बहुत सारी चीजें अपडेट करी है, सच एज GST, सच एज हमने नई नई पोर्टल्स को अपडेट किया है, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन रही है। और इंडस्ट्री बनने में चीजें होती है कि दो दिन चार दिन पांच दिन दो दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं, तो इसके लिए पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंबर्स के लिए। वो इस बातों के लेके ये पैनिक ना हो कि सिस्टम इतना टाइम क्यों ले रही है डेवलप होने में, उनको ये पता होना चाहिए कि चीजें नेचुरल होती है। आपको पता है कि किसी काम में कुछ वक्त लग जाते हैं और वक्त लगना लाजमी है क्योंकि उससे वो बेहतर चीजें बन के आती है, बेहतर चीजें निखर के आती है आपके सामने में। नई बात सॉफ्टवेयर पे मेंटेनेंस की, सॉफ्टवेयर में अपडेशंस की, कोई सॉफ्टवेयर में एरर्स तो छोटी मोटी बातें हैं, बक्स तो बहुत छोटी बड़ी बातें हैं, लेकिन जो हम चीज जो अपग्रेड कर रहे हैं अपने चीजों को वो बहुत मायने रखता है। आपको पता है कि आपकी सिस्टम जिस दिन हमने डाउन किया था उससे एक दिन पहले इतनी स्मूथ चल रही थी, इतनी फास्ट चल रही थी, वो हमने अपडेट करके और चीजों को मेंटेन करके बनाया है। लेकिन हमें कुछ और चीज अपग्रेड करनी पड़ी जो अपग्रेड करना बहुत जरूरी है, सच एज सबसे पहले टर्म्स एंड कंडीशंस जो अभी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के हिसाब से, आपको पता है गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से हमें डेवलप होना, गवर्नमेंट के गाइडलाइन के हिसाब से हम कनेक्ट कर रहे हैं, इसलिए तो कनेक्ट कर रहे हैं कि सिस्टम में कभी भी कोई आंच ना आए। हम नई नई स्टार्टअप्स लेके आ रहे हैं एक साथ, नई नई प्रोजेक्ट्स पोर्टल्स एक साथ कनेक्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़े, ना कि सिस्टम को बंद करने और सिस्टम को खत्म करने के लिए। तो कृपया इन बातों को ध्यान रखें कि दो तीन पांच दिन की जो मेंटेनेंस जो अपग्रेडेशन है ये पीरियड आपके भविष्य के लिए है, ना कि जैसे तैसे चलाओ और काम खत्म कर लो। हम सिस्टम को पार्टिकुलर जो चीजें चाहिए हमें, हम वो चीजें देना चाहते हैं ताकि इन फ्यूचर हमें किसी भी एंगल से, किसी भी कारण से हमें कोई भी कष्ट या कोई भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो कृपया इन बातों का ध्यान रखें, हम आपके बेहतर, हम अपने सिस्टम के बेहतर और अपने जो भी आने वाले पोर्टल थे उस पे बेहतर करने के लिए एक टाइम गैप लिया है। आपको पता है कि हर सिस्टम में सैटरडे संडे छुट्टी होती है, हमने आज तक छुट्टी नहीं ली, तो आप ये समझ लो कि चार पांच दिनों की सिस्टम की मैनेजमेंट की छुट्टी है। आप ये समझ के भी हमें मौका दे सकते हो, लेकिन आप वो भी देना नहीं चाहते। हमने आपको कभी भी डिसअपॉइंट नहीं किया है, हम हर जगह से टिके खड़े हो गए, इस बार तो गिरे भी नहीं है भाई साहब। पिछली बार तो मैंने बोला था जब हमारी 26 जनवरी को हमारी सिस्टम 26 जनवरी से पहले हमारी सिस्टम डाउन हुई थी, तो मैंने बताया था कि हम गिरे हुए, हम उठ जाएंगे, लेकिन इस बार हम गिरे नहीं। इस बार हम किसी एंगल से फंसे नहीं है, इस बार हम सब कुछ स्मूथ है हमारा, इस बार हमारे कॉन्फिडेंस लेवल 500% है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल इस बार गिरा नहीं है। हम आपके सामने बेहतर चीजें लेके आ चुके हैं और लेके आ रहे हैं। तो बस बात यही है कि थोड़ा सा वक्त अगर सिस्टम मांगता है तो वक्त दे सिस्टम। आप तब तक अपने चीजों को मैनेज करें, अपने चीजों को शेड्यूल करें, जैसे कंपनी अपने चीजों को शेड्यूल कर रही है। आपको आने की आना है जयपुर फंक्शन में, आपको सिस्टम अपने टीम को डेवलप करनी है, टीम को गाइड करना है। क्या आपको लगता है अगर सिस्टम में इश्यूज है, सिस्टम में हमने ज्वाइनिंग भी रोकी हुई है, प्याउट टुका हुआ है, इनकम भी नहीं आ रही है, तो सिस्टम पूरी तरीके से हमने अपडेशन से अपडेशन में डाला हुआ है, ना कि एक फंक्शन ऑन करके दूसरे फंक्शन को ताला लगाया हुआ है। आपको ये समझना चाहिए बातों को कि कंपनी के पास आपके
आपके सपोर्ट की जरूरत है, ना कि आपकी ज्वाइनिंग और आपकी मेंबरशिप की जरूरत है, आपके सपोर्ट और आपके विश्वास की जरूरत है। आप अपना विश्वास और अपने सपोर्ट को बनाए रखें, हम चीजों को बेहतर तरीके से, बेहतर चीजों को लेके आ रहे हैं आपके सामने में, आपको बहुत मजा आएगा। थोड़ा सा वक्त लगता है, कोई लिमिटेड नहीं होती। एक जो सिस्टम होती है ना, जो आईटी होता है, जो प्रोजेक्ट होता है, उसमें एक टाइम ड्यूरेशंस का ये फिजिबिलिटी नहीं होती। मतलब कि आप ये नहीं कह सकते कि 5 घंटे का मतलब 5 घंटे में आपको ठीक हो जाएगी। शायद वो 5 घंटे के बाद 6ठे घंटे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, 7वें घंटे का रिक्वायरमेंट हो सकता है। अगर सिस्टम की तरफ से कोई भी अपडेट आपको मिलता है तो ही उस पर बिलीव करें। सिस्टम में अगर मैनेजमेंट की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो प्लीज कोई भी अफवाह ना फैलाएं। हम आपके सामने में हमेशा अवेलेबल होते हैं, तो किसी भी अपडेट देने के लिए मैं, हमारी टीम आपके सामने खुद खड़ी हो जाएगी, ना कि आपको कहीं और से बातें मिले और उसको आप वायरल करना स्टार्ट करें। प्लीज कॉन्फिडेंशियल रखें चीजों को। हमारी सिस्टम बहुत कॉन्फिडेंशियल है, बहुत कॉन्फिडेंट है हम आपस में। हमारी परिवार बहुत अच्छी है, हमेशा अच्छी थी। उस दिन भी सपोर्ट किया जिस दिन हमें कोई नहीं जानता था, उस दिन भी सपोर्ट किया जिस दिन हमने पहली बार हम गिरे थे मार्केट में। हम गिर के संभल गए, संभल के आज बहुत मजबूत हो चुके हैं। आज तो हम गिरने की दूर दूर तक नहीं सोच सकते। तो आज का कंडीशन और उस दिन की कंडीशन को आप मैच ना करें, हमारे दोनों कंडीशन में बहुत अंतर है। आज हम बेहतर करने के लिए बंद है, उस दिन हम चीजों को ठीक करने के लिए बनते। हमने अपने सिस्टम को उस दिन मेंटेनेंस में डाला था, आज हमारे सिस्टम ग्रेडेशन में है। उस दिन हमें कॉन्फिडेंस में लो था, आज हमारी कॉन्फिडेंस हाई है, क्योंकि हम जिस जो काम कर रहे हैं वो सकारात्मक वे में कर रहे हैं काम। तो कृपया इन चीजों को ध्यान रखें। जो भी हमारे न्यू मेंबर्स हैं, उससे मैं कहना चाहूंगा, इतना तो ट्रस्ट रखो कि जो सिस्टम इतनी चीजों को डेवलप करने में लगा है, वो सिस्टम इसलिए डेवलप करने में लगा है ताकि हम सिस्टम को और आगे ले जा सके और आपको उससे बेहतर स्टेबिलिटी दे सके। थैंक यू। आज मैं ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा रोमारी सर, आपकी जो डिस्कशन थी उस डिस्कशन पे आप आगे बढ़े। फिलहाल के लिए मेरा जो था, मेरा मोटो था, मैं आपके सामने बैठा जा रहा था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे टाइम दिया। थैंक यू सर। आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपका डेडिकेशन हमें रियली पसंद है, और मैं आप हमारी पूरी टीम को शुक्रगुजार होना चाहिए कि बिना बताए आपने सडनली सरप्राइज दिया, क्योंकि हम तो हर लोग शनिवार का वेट करते थे, आज आप एक दिन पहले ही आ गए। और वो सारे लोग कहीं ना कहीं लकली रूप से लकी हैं कि आए थे कुछ और देखने, पाके कुछ और गए। वो तो देखने आए थे कि सिस्टम में चल क्या रहा है, असलियत में उनको सबसे बड़ा गिफ्ट मिल गया कि राहुल सर के साथ उनसे बात करने का मौका मिल गया, कि जो चीज़ मैं बोलना चाहता था या मैं बोलता